हुआ कुछ? और बस इंटरनली क्या आवाज आ रही होगी? इसकी आवाज आ रही होगी। मैं फेंकता उधर आ जाओ। नहीं नहीं भाई, फेंकना बाहर थोड़ी ना, मैं इनसे मिलेगा। अबे ऐसे ऐसे फ्रिज भी फेंकते ना दिमाग। वेलकम बैक। सो मेरे पास ये काफी टाइम से एक वीडियो आइडिया था दिमाग में, जहां पर मैं अपना एक फोन तोड़ू, मतलब नथिंग एल्स, आई विल डू अ ड्रॉप टेस्ट ऑफ माय फोन एंड वील मेक वन गुड वीडियो आउट ऑफ इट। आई डोंट नो, काफी टाइम से ये वीडियो आइडिया था मेरे पास। बट यू नो, जब तुम एक फोन तोड़ो तो तुम्हारे पास एक और फोन होना चाहिए जो तुम यूज कर सके पुराने फोन को तोड़ने के बाद। You know, that's how it works. So in order to make this video, I need to reach a point जहाँ पर मैं इतना financially independent हूँ, जिससे कि मैं अपने लिए एक नया फोन ले सकूँ और वेल अपना पुराना फोन तोड़ सकूँ। You see so many drop tests on YouTube जहाँ पर वो लोग iPhone लेते हैं और उसको गिराते हैं इधर उधर से, but I just feel वो लोग they don't test their phones enough, इतना enough नहीं करते जितना हम सोच रहे हैं करने का। बट बिफोर वी डू दैट स्टोरी टाइम, सो फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, मैं पिछले 2-3 साल से एक iPhone 6s चला रहा हूँ। यस, मैं 6 जनरेशन पीछे हूँ अभी अपनी लाइफ में, विच इज वेरी वियर्ड। iPhone 12 आ चुका है, बट तुम्हारा भाई iPhone 6s चला रहा है। इट्स वेरी सैड है काफी। एंड ये फोन हमारी फैमिली में जनरेशन से जनरेशन पास कर गया। पहले पापा ने लिया, पापा ने भैया को दिया, भैया ने मम्मा को दिया, मम्मा ने फिर मेरे को दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज फैमिली में बहन जो सबसे नीचे यंगर सिबलिंग पे ही आती है, कपड़े वगैरह हर चीज भाई, एंड में सब यूज्ड माल मेरे पे आता है बहन जो। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे कपड़े अभी जो मैंने पहन रखे वो मेरे हैं एंटायरली कि नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्या पता अंडरवेयर भैया का पहन रखा होगा। सो मैं ये iPhone 6s पिछले 2-3 साल से घसीटा जा रहा हूँ, क्योंकि हूँ कंजूस अपने दिल से, तो मैं घसीटा जा रहा हूँ भाई, जितना यूज हो सकता है उतना यूज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। बट एट वन पॉइंट आई वॉज लिटरली लुकिंग फॉर अ गुड इनफ रीजन टू जस्ट थ्रो दिस फोन अवे। बट बिलीव मी, ये फोन मेरे को बहुत रीजन दे रहा था नया फोन लेने के लिए। मतलब मैं लिस्ट बना सकता हूँ, जो तुमको लिस्ट जानी है मैं बताता हूँ। इसका माइक खराब था, इसके माइक में एक ऑटोमेटिक अंडर वाटर इफेक्ट था, जो मैं कॉल में बात करूँ तो सबको ऑटोमेटिकली वो फिल्टर लग के बात होती थी। इसका ऑक्स कॉर्ड नहीं चलता था बहन जो, नए आईफोन्स में तो ऑक्स कॉर्ड हटाई गई है, ऑक्स का वो जो पोर्ट होता है, बट इसमें होते हुए भी वो चलता नहीं था। वो पता नहीं, वो लगती थी तार, आवाज आती नहीं थी। चार्जिंग पे भी इसको वो जो तार ऐसे लगा के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके लगाना पड़ता था, जिससे कि चार्जिंग हो सके। एंड प्लस उसका बैटरी बैकअप, अपनी एक काउंटडाउन होता था, 100, 99, 98, 97, ये बैटरी बैकअप था उसका। एंड यूजुअली जब तुम्हारा फोन 12%, 11% पे आता है, तुम लोग सोचते नहीं कुछ नहीं होता, 1% पे तो नहीं है, चली जाएगा। मेरा फोन अगर 40% से नीचे गया तो वो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, उसकी मर्जी है, ऑनेस्टली उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। सो एट वन पॉइंट मैं फोन को यूज नहीं कर रहा था, फोन मुझे यूज कर रहा था। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था हम दोनों का। उसके ऊपर से उसका टच भी नहीं चलता था, टच में पता नहीं क्या क्या ग्लिचेस आते रहते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं सोते सोते पता नहीं किस किस को कॉल लगाता रहता था, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। एक बार मेरी माँ को कॉल गया, एक बार मेरे भाई को कॉल गया, एंड आई वॉज नॉट इवन अवेक एट दोस टाइम्स। सो उसका टच इतना खराब हो गया था एट वन पॉइंट की उसके लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे लाइन आने लगी थी ब्लैक ब्लैक, जहां पर डिस्प्ले गायब होने लग गया था। और मेरे को लगा कोई नहीं, चल तो रहा है ना टच फिर भी, बट फिर एक दिन वो लाइन्स आधी स्क्रीन कवर कर गई। Yeah. उसके बाद यूज नहीं कर सकता था मैं। सो आई फेल्ट दैट वॉज अ गुड इनफ रीजन फॉर मी टू स्पेंड 80,000 ऑन अ न्यू फोन। सो फ्लेक्स टाइम आई बॉट अ न्यू आईफोन 12 128 GB पर्पल, बिकॉज पर्पल इज वेरी ब्यूटिफुल कलर, मेरे को बहुत पसंद आया। एंड वेल यस, ओटीपी आया होगा, ओटीपी 798041। So for those of you who have not guessed yet, this is phone. This is new iPhone 12 purple color 128 GB. Chalo guys, unboxing karte. Pata kaise hai? What the fuck? Acha aisa? एंड आई होप कि इसमें कोई साबुन की टिक्की ना निकल जाए, क्योंकि मैंने वैसी बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ पर बहन जो ये लोग आईफोन ऑर्डर करते हैं और अंदर साबुन की टिक्की निकलती है। That wouldn't be nice. भाई साहब, very nice. पैकेजिंग बहुत बहुत अच्छी है भाई इसकी, मतलब इतनी पतली सी बेंच हुई थी, आराम मजा आ गया। दिस इज एक्चुअली माई फर्स्ट दिस स्केल की परचेज अपने पैसों से, काफी काफी क्रेजी क्रेजी है। एंड मैंने माय 11 सर्कल को प्रमोट भी नहीं करा या खरीद, सॉरी मजाक नहीं करा वैसे, मैंने प्रमोट सिक्योरिटी सील फॉर प्रोटेक्शन, कॉन्डम है क्या? जस्ट जोकिंग गाइस, आज मेरे को सेक्स जोक्स मानने दो, आज मेरा दिन है।
इस डब्बे की फील इतनी अच्छी है मैं तुमको बता नहीं सकता. बट बिफोर आई ओपन इट आई शो इट टू यू गाइस एंड वी विल ओपन इट टुगेदर. ओके, जिससे कि दोनों आनंद ले पाए उस चीज का. पन इंटेंडेड. ओपनिंग साबुन की टिक्की रिवील. क्या भाई साहब, भाई दिस इज सो प्रिटी. फक डूड. ओके, अब मैं अपना फोन बैकअप करने जा रहा हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. आई फील गुड. काफी नाइस. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि राघव तूने यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया कि तूने एक आईफोन 12 ले लिया, दैट इज नॉट ट्रू. यूट्यूब बेरली कुछ पैसा देता है यार बेंचो. बट इफ यू डू वांट टू नो हाउ आई बॉट दिस फोन, वेल सो मेनी ऑफ यू डू नॉट नो दिस अबाउट मी, बट मेरा सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है क्योंकि यूट्यूब इज नॉट इवन अ स्ट्रीम ऑफ इनकम एट दिस पॉइंट. उससे बेरली कुछ पैसा मिलता है. बट आई हैव ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ माई क्रिएटिव एजेंसी परसेप्शन मीडिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अपने यूट्यूब को इतना बेंचो स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा. मेरा यूट्यूब करियर कभी भी खत्म हो सकता है. आई एक्चुअली वर्क अलॉन्ग विद माई फ्रेंड तनेजा, हम दोनों साथ में काम करते हैं. एंड आई हैव नॉट बीन मार्केटिंग दिस इनफ, बट वी विल डू इट इन द फ्यूचर. सो इफ यू वांट टू यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो परसेप्शन मीडिया ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. वी विल बी पोस्टिंग अ लॉट मोर स्टफ एंड यू विल नो मोर अबाउट अस. एंड दैट सेट असाइड, आई आल्सो मैनेज माय मनी यूजिंग Acudo. Acudo, फॉर दोस ऑफ यू डू नॉट नो, इज अ लर्निंग फर्स्ट नियो बैंक फॉर टीनएजर्स. They aim at raising an entire generation of money smart Indians who know how to manage their money, who know how to be financially independent. Using Acudo, teenagers like you and me can get their personalized visa card, jisko tum apne Swiggy, Nike, Amazon kahin pe bhi use kar sakte ho. You can also get your personalized name printed on that Acudo card and you can order it from the Acudo app as well. Tumko ek physical card mil jayega and that will help you to not, you know, constantly ask for OTPs ke papa mamma yaar OTP bhej do aapke phone mein aayega, wo karne ki tumko zarurat nahi hogi. Their app is also very user friendly and very quick. Maine use kar rakhi in the past. It takes barely 2 minutes to get your KYC done using your parents' phone, जिससे कि उनको भी पता है कि भाई तुम्हारे लिए ऐसा कार्ड बन रहा है. They should know, okay? कोई secret काम नहीं कर रहे हम यहाँ. And the best part according to me about Acudo is that it has a saving partition, जहाँ पे तुम लोग अपने लिए goal set कर सकते हो, अपने लिए money save कर सकते हो to buy something that you want to buy. For me it was an iPhone. Set the saving setting to auto save and it will automatically auto save whenever money ends up in your account. You know it's like finding money inside your old jeans. जब तुम लोग कोई पुरानी jeans निकालो, उसमें से पैसा निकले, तुम बोलो wow bench 500 रुपए. Wow. With Acudo, you can also learn the major principles of wealth. उसमें बहुत सारी thought provoking videos हैं और तुम्हारे पास और practical tips हैं जो Acudo तुमको सिखाएगा, so that you can know more about how to manage your money. Transfer of money भी बहुत simple है. You can share a personal link and they can transfer money to your account. And I feel that Acudo is a beautiful platform because that helps us teenagers to practically learn about money by handling it ourselves. And काफी safe भी है. It has partnered with RBL Bank and Visa as well. तो बहुत safe platform है. Do check it out. Link will be in the description. But anyway, moving on. It is time to break some stuff. मतलब iPhone, but stuff. I don't know. The plan of action is very simple. अभी हम निकल रहे हैं. ये फोन है. इसमें अभी भी अलार्म बजते हैं for some reason. टच नहीं चलता है बट अलार्म बजते हैं. पता नहीं मेरे को क्या सिस्टम है. इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है. वी विल ब्रेक इट टू इट्स कोर बिकॉज इसने मेरे को और मेरे दोस्तों को बहुत परेशान कर रखा है इन द पास्ट. इज इट द बेस्ट ऑप्शन? नॉट रियली, बट इट इज व्हाट वी गोना डू. ओके, डील विद इट. बाहर आ जा भाई, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ. ठीक है भाई, जल्दी आ जा भाई. क्या अच्छा, किस करते हैं? किसको? तेरे को. मैं क्यों अपना कॉल दूंगा ना तेरे को. नहीं, मेरा खत्म हो गया भाई. भाई तो तभी तेरे को दे रहा हूँ मैं. नहीं, मैं अभी बताऊंगा. कल नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड और मेरे को हो गया कोल्ड. और बताओ भाई. सेम टाइम है जो वो देख. गुड फकिंग टाइमिंग. अपना जोक सुनाने इनको. देख, नीरज चोपड़ा था ना. हां, कल नीरज चोपड़ा को मिला गोल्ड और मेरे को हो गया कोल्ड. फ्लावर शॉप. फ्लावर शॉप इधर रुक जा. स्किट है ताका, तू सब ऑर्डिनेट है मेरा. तो गाइस आज हम आईफोन 6 से, तू भयंकर देख तो ले क्या रिकॉर्ड हो रहा है. तेरी स्क्रीन मेरी तरफ कर रखी है. तो गाइस आज हम हमारे आईफोन 6s का ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं. बस इतने चीज अलग क्या. तो गाइस आज हम करने वाले आईफोन 6s का ड्रॉप टेस्ट. भाई तो गाइस बहुत नाजुक है ये. गाइस पहले हम नी हाइट से ड्रॉप करके देखेंगे.
कुछ नहीं हुआ और बस इंटरनली काय हो गई। अबे ऐसे ऐसे फ्रिस्बी फेंकते रहो दिमाग में, धीरे करो। अब टूटी भाई फाइनली। इसके अंदर क्या है? अब रुझान अंदर कॉर्पोरेट्स देखते हैं। अनबॉक्सिंग कर पे। दिखाइयो। 10% अनबॉक्सिंग। कल ओलंपिक मेडल का अनबॉक्सिंग देख रहा था भाई। उसकी बैटरी फुल गई। गाइस हमने अभी तक ड्रॉप टेस्ट नहीं करा। अरे हाँ, डंडा टेस्ट कर। रुक जा। डुअल हाथ है मेरे सिंगर। डुअल हाथ। डुअल हाथ। टू वन एक्शन। मैं इसको बेचूंगा ईबे पे। चलो 3-2-1। गाइस एज इट इज एविडेंट थोड़ा सा डेंट आया है बस, बाकी सब तो यूजेबल कंडीशन में है। अबे यहां पर तू नीचे था, हम यहां से नीचे गिरा रहे। नहीं स्कूटी पे वो बात भाई, स्कूटी चढ़ा भाई, इसकी हालत लग रही तेरे को बाद में बचने की। स्कूटी चढ़ा गिरा भाई, पहले कांच गिरा दो। कुछ भी नहीं गिरा भाई, कांच गिरा दो भाई। कुछ नहीं गिरा, झाग आ गई भाई, शायद बैटरी की झाग है वो। तो गाइस यहां से हम फोन को नीचे गिराएंगे। तकरीबन कितनी हाइट होगी सबऑर्डिनेट? 20 फीट। 6 का तो मैं हूं। मेरे 3 बंदे फिट आ जाएंगे इतने में। तेरे पे नहीं फेंकेंगे। यहाँ पर आ। आगे आ जा। थोड़ा आगे। चलो रेडी। शिवी के मुंह पे नहीं गिराना। देख दैट इज वेरी अननेसेसरी। सॉरी नहीं लगा वो। शिवी स्लोमो आया क्या? ओए अब हम इस डंडे का ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं। ओए तनेजा स्लोमो ऑन कर। गाइस डंडा एकदम सही है, अनलाइक द आईफोन। तो इससे अच्छा कि आप अपने पैसे आईफोन पे खर्च करें, डंडा ले लो। ये है तेरा कंज्यूमर डिवाइस। डंडा ले लो कान में। डंडा ना आता भाई। डंडा नहीं आता भाई। तीन हिस्से हो चुके हैं। तीन। तू अनबॉक्सिंग कर रहा है इसकी। ये देख देख डिस्प्ले की अनबॉक्सिंग। ये डिस्प्ले, ये इसकी डिस्प्ले होल्डिंग चेसी है और ये मदरबोर्ड बैटरी वगैरह सब तांग जा। इस पे गाड़ी चला रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चलो आ जा सामान भाई। कुछ जोड़ा नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया नहीं। क्या कुछ जोड़ा नहीं कुछ जलाया नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया नहीं। कलम और कागज से मोहब्बत हो गई हमको क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। One second thought, ये पूरा करना बहुत अननेसेसरी था, बहुत अननेसेसरी था। नया ट्रेडिशन। मेरे को 3-4 हज़ार मिल सकते थे उस फोन के। अरे बोलो। तुमको पता है कितने पैसे तोड़े तुमने आज? MRP 60,000 रुपीस। जब आया था उससे मुझते गया था। सर का भी वही है। 72,000। सी आईफोन 6 था 60 का और ये 72 का था। शर्म कर लो। पर अभी आज भी कर ले। आजकल में तू भी कर। तू कर शर्म लेके। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ प्राइस डिप्रिशिएट्स। मेरे पास अभी एक iPhone 6s कम है अपनी लाइफ में। Although हमको वो जो स्पेयर पार्ट्स हमने बरी करे थे वो हमको बाद में निकालने पड़े क्योंकि शौर्य की मम्मी आ गई और शौर्य की मम्मी ने बोला कि उनके पास 2 dogs है which is you know they might dig and that's not safe for them. So we ended up taking those spare parts out. मैंने मास्क क्यों पहन रखा है? तो वो स्पेयर पार्ट्स निकाल दिए सैडली enough. Anyway, guys, that is it for today's vlog. अगर तुमको ये vlog थोड़ा सा भी पसंद आया तो like, share, subscribe कर देना. If you want more types of these videos, मतलब थोड़ी और ऐसी content चाहिए तो मेरे को बता देना comments में. Do check out Akudo. The link will be in the description down below. And that is it, man. Take care. See you next week. Probably. Bye, bye. Take care. ये मेरा cameraman है for the day. लग रहा है. पैसा देगा? नहीं. Shout out दूंगा मैं. करियर का क्या हो जाएगा जब लिंक इन डिस्क्रिप्शन आएगा।